फिल्मों में आने से पहले से मैं म्यूज़िक कंपोज कर रही हूँ. इंडिपेंडेंट म्यूज़िक बहुत किया है और ऑफ कोर्स प्लेबैक बहुत किया है. लेकिन फिल्मों में आने का शौक़ था एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर डेफिनेटली. लेकिन ऐसे फिल्म में जहाँ पे मुझे अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने का एक अपॉर्चुनिटी मिले. एंड आई एम रियली ग्लैड टू से कि सचिन ने मुझे बहुत फ्रीडम दिया एज अ म्यूज़िक कंपोज़र टू रियली एक्सप्लोर व्हाट आई वांटेड टू कम्युनिकेट थ्रू द म्यूज़िक फॉर परांठे वाली गली. सो हम कॉलेज के टाइम से ही परांठे वाली गली बहुत मस्ती करने जाते रहते थे. हाँ, बहुत तरह के परांठे खाए थे. तो वहीं से जर्नी स्टार्ट होती है और बहुत अच्छी मेमोरीज भी जुड़ी हैं परांठे वाली गली से. और जब ये फिल्म का स्टोरी, मैं उस टाइम में यूएस में था, अगेन वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूएस में, उसी टाइम से एक आइडिया डेवलप हुआ था. और आते आते जब तक मैं इंडिया पहुंचा और ये फिल्म की शुरुआत हुई, तो कहीं ना कहीं जिस तरह की स्टोरी बनकर आई है और जिस तरह के कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में, कहीं ना कहीं वो सारे के सारे, मैं समझता हूँ कि जैसे थिएटर में भी अलग तरह के इमोशंस होते हैं, उसी तरह से परांठे वही इमोशंस की तरह ही काम करते हैं, तीखा, सादा, बाकी सारे. तो कहीं ना कहीं आपको वो सारे जो 9 इमोशंस मिलेंगे आपको किसी भी सिनेमा में या परफॉर्मिंग आर्ट्स में, किसी भी उसमें, डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, थिएटर हो गया किसी में, तो वो परांठे बेसिकली आपको वो डिफरेंट जो इमोशंस हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं. तीखा पराठा फ्रॉम चांदनी चौक, शी इज़ लाइक तड़का फड़का इन द फिल्म. सो और अनुज प्ले कर रहे हैं मौलिक, सादा पराठा, एंड शी फॉल्स इन लव विद मौलिक. सो वो तीखा पराठा और सादा पराठा कैसे मिलते हैं, एंड इट्स अ रोमांटिक कॉमेडी. आई होप आल्सो, आई मीन लाइक समबडी सेड दैट एवरीबडी नोज़ मी एज अ बिट ऑफ अ कुसुम, और आप एक पूरा एक फ्लैम्बॉयंट कैसनोवा, 4 शादियां, 10 डिवोर्स, 50 गर्लफ्रेंड्स, सब किया मैंने वहां पे. इसमें एक बहुत ही सीधा साधा एक अलवर का लड़का जो दिल्ली आता है करियर और एक मैड पंजाबन फ्रॉम अमृतसर से मुलाकात होती है और उनकी जो लव स्टोरी है, दैट इज़ व्हाट पराठे वाली गली इज़ ऑल अबाउट. पिक्चर का यूएसपी ये भी है कि ये हमने सब लाइव लोकेशन में शूट किया है. पुरानी दिल्ली सर ने इस तरह दिखाई है अब तक किसी भी ने शायद देखा नहीं हो. हमने 200 साल पुरानी धर्मशालाओं में शूट किया है, छतों पर शूट किया है, एंड वी एक्सप्लोर्ड ओल्ड दिल्ली लाइक नेवर. ऑल्सो क्योंकि फिल्म पराठे वाली गली का नाम हमने एक्चुअली पराठे वाली गली में शूट किया, और शूट करने से पहले मुझे पराठे खाने पड़े थे, मेरी डाइट की बैंड थी.